अचान कैसे होगी? क्या सर, क्या हुआ? कौन सा रोल मारा है? ओ डिड्डा पंजा। जब तक मैं पानी पीता हूँ तब तू बता दे। तो गाइज हम लोग गए थे कैलिंगोट मार्केट, लेकिन वहाँ रेट वेट पता किया और चीज़ें भी देख ली, थोड़ा अंदाज़ा हो गया रेट का, क्या सीन है क्या है नहीं है। फिर हमने सोचा यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट कौन सी, तो बड़ी मार्केट हमें गूगल मैप्स में मिली मकूसा मार्केट। तो देख ही रहोगे मकूसा मार्केट हमारे पीछे। तो अभी हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे, देखते हैं शॉप में, देखते हैं क्या क्या मिलता है और बाकी बात ये बताएगा। चलो फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये क्या बताएगा, मैं ही बता चुका हूँ ऑलरेडी। चाबी ली साला, हम चाबी लेना भूल जाते हैं हर जगह की। यहाँ पे सारी चीजें हैं, मतलब शूज वगैरह से रिलेटेड भी चीजें हैं, कपड़े वगैरह भी है, खिलौने वगैरह भी है, मतलब जूट के सामान तो दिखे, जूट के सामान भी दिख गया, नाम लेते दिख गया। ये लग रहा है मेरे को, पता है यहाँ पे आके ऐसा लगा मुझे सदर बाजार आ गए हम लोग दिल्ली के। वहाँ से एरिया ऐसा था ना बिल्कुल उस जैसा, और मतलब मार्केट एरिया भी ऐसा ही है, ऐसे ऐसे ही होते हैं वहाँ पे भी जगह। मतलब फ्रूट मार्केट है यहाँ, फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह सब मिलता है यहाँ पे यार। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी है यहाँ पे, पूरी मार्केट है। वही तो हम लोग करते हैं शॉपिंग और मिलते हैं, अगर कुछ लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या, फिर अगर कुछ लेंगे अच्छा रेट मिलेगा तो फिर वहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या रेट होता है, क्या क्या बार्गेनिंग करते हैं हम लोग। तो मिलते हैं शॉप से जाके जब हम सामान लेंगे। और बताएं यहाँ पे तूने क्या क्या देखी? लोग तो अच्छे वैसे यहाँ पे, मतलब मेरे को लगा हमारे उधर के लोग थोड़े अजीब है। नीचे नीचे मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है भाई, मतलब यहाँ अगर ढूंढोगे ना सब कुछ मिलेगा। ये देखो ₹350 किलो का एक पैक है। रेट क्या लगेगा इनमें? वही बोला ना, 350 का ₹700 किलो, ये 800 रुपये 900 रुपये साइज के ऊपर होगा। तो गाइस शॉपिंग हो गई भयंकर, ढूंढा दिखा दे, मतलब सबके लिए ही ले लिए कपड़े, सबके लिए ही कपड़े ही ले रहा था, कपड़े ही ले रहा था, क्योंकि और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यही चीज सही चीज़, मतलब सही मार्केट है मपूसा बाजार, यहाँ सब कुछ है। हाँ सब कुछ है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, कपड़े रहते, बर्तन वर्तन सब सब कुछ है। तो हम लोग निकले थे घर से 11 बजे और अभी बज गए 3, और सुबह से कुछ नहीं खाया हमने। हमने लिया पेस्ट्री दिला, हाँ पेस्ट्री और स्प्रिंग, उससे थोड़ा पेट भरा है जान, लेकिन उससे क्या होगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं घर, और हम बनाने वाले हैं आज पास्ता, और उसके साथ साथ पास्ता के साथ साथ दिखाएंगे हमने लिया क्या क्या है। हाँ नहीं वो भी तो चल ठीक है, दिखा देंगे ऐसे ही ऊपर से, ऐसे ऊपर से थोड़ा बहुत। हाँ और रेट भी बता देंगे किससे, हाँ। क्या क्या पड़ा। हाँ ठीक है, और शॉर्ट्स वगैरह भी आते रहेगी, शॉर्ट्स वगैरह भी देखते रहना, हमने बार्गेन जो किया उसकी शॉर्ट्स बनाई है वो भी आती रहेंगी, चैनल पर जाके देखते रहना। वो भाई फिलहाल हमें स्कूटी ढूंढनी है, वो बहुत बड़ा टास्क है भाई। हम लोग आए किधर से थे? तू सोनाटा कह रहा था ना कुछ? अलग से खड़ी है भाई, सीट गर्म हो गई एकदम, सीधा मिलते हैं घर में।
यार क्या है ये, ये देखना, ये देखो हंस रहा है, ये देखो भाई। घर में पूरा धुआं हो गया, फैन बंद कर, बाहर वाला फटाफट फैन कर। ये देखो पूरा घर में धुआं भर जाएगा अब यार। अभी यार पता नहीं ऊपर क्यों नहीं आता। पास्ता भी रेडी हो गया है, मैंने सोचा टोस्ट बनाऊंगा, दो टोस्ट निकाला, दो ये देखो जल गया यार। पास्ता रेडी हो गया है और अब चारों बंदों के लिए सर्व। ये चलेगा थोड़ा स्पीड में। और हमारे साथ टोस्ट भी है, थोड़े जल गए हैं। और इसके साथ क्या है? इसके साथ है जूस। कौन सा जूस? वो फ्रिज से देख लेते हैं। गुआवा ट्रॉपिकाना, मैं ये निकालता हूँ। सबके लिए हो जाएगा? ये हमारा किचन कुछ ज़्यादा ही मेसी हो गया है। एक का है, एक गिलास का है। अच्छा ये तो रहा, क्या यहाँ काम करते हो क्या? अभी पानी तो बंद कर, मैंने चलाया, तू नहीं चलाया। ओ भाई ओरिजिन बीच घूम लिए, बागा तो है बगल में ही। बागा बीच क्लोज क्यों आ रहा है बे? परमानेंटली क्लोज। हाई टाइड है क्या कुछ? ये वही यहाँ नहीं गए, यहाँ चले। कैरमबोल बीच में बोला तो था तुम लोगों को जाने के लिए, यहाँ चलते हैं ना। रुक जा, क्या ये रंगीन क्या दिख रहा है? डायरेक्शन देखते हैं इसकी। कैरमबोल बीच है ना ये? और यहाँ बिजी एरिया भी आ रहा है, मतलब भीड़ बहुत है यहाँ पे, तो चलते हैं। ये कितनी दूर है यहाँ से? 35 किलोमीटर है अपने बागा से। 35 किलोमीटर ने 16 किलोमीटर 35 मिनट 35 मिनट है। माफ करो माफ करो। क्या सर क्या हुआ? कौन सा रोल मारा है? तेरा फोन देखो, फोन कहाँ पहुँचना है? फोन कहाँ पहुँचो? मेरे पीछे पहुँच लो, मेरे पीछे पहुँच लो, मेरे पीछे पहुँच लो। चलेगा? इसको देख रोज गीला होता है भाई। मैंने आज सोचा था कपड़े भिगाऊंगा नहीं, इसको ऐसे तेज रहती हूँ। बारिश देख रहे हो। जैसे डिसाइड हुआ था वैसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यार हम लोग गए थे वहाँ पे बीच की तरफ, काफी वेस्ट किया टाइम हमने, लेकिन यार बारिश इतनी तेज हुई ना कि मतलब यार हम लोग जा ही नहीं पाए वहाँ पे। पहाड़ों पे बीच में रुक गए, फिर उसके आगे और थोड़ा गया, लेकिन वहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई कि हमें बाइक घुमानी पड़ी। जैसे तैसे करके हमने घर पहुँचा और नहाया धोया, जो भी फ्रेश हुए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पैकिंग की शुरू करी। तो मेरे को याद आया कि सामान भी तो दिखाना था, तो हमने ये देखो सामान लिए थे सारे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, चप्पलें हैं, शॉर्ट्स है, शर्ट है, ये हैट है, और ये तो मैं बाद में दूँगा। तो पहले शुरुआत करते हैं, जो बार्गेनिंग वगैरह की थी मैंने इन शॉर्ट्स की थी, वो कितना बोला था? 540 अराउंड बोला था ना, तो मैंने इसका 500 कुछ दिया, तो उसने ये दोनों दे दिए। एक ये था, ये अराउंड 160 का दिया उसने। ये चप्पल है जो 140 का एक दिया उसने, और ये शर्ट भी ऐसे ही है 250 समथिंग, जो 350 बोल रहा था वो 250 लिया उसने। ये हैट भी 200 समथिंग बोला था ना, 200 बोला था, 150। अच्छा, ये शॉर्ट्स दोनों बोले थे उसने 250 समथिंग, ये 200 में मान गया था वो। और ये तीन हमने ये थे नितिन की बहन के लिए, 300 का 150 का बोला ना, 150 का बोला, तो अच्छे प्राइस लगे हम लोगों को। ये भी 150 में हो गए तीनों के तीनों, मतलब अलग अलग 450 टोटल। और ये मैंने लिया है स्पेशल अपनी बाइक के लिए। कैसा लग रहा है बताओ? दो टी शर्ट और ये हमने 160 की। ये मैंने लिया था जब हम चपोरा फोर्ट गए थे, तो वहाँ पे संक बहुत अच्छे लगे थे मेरे को, ये देखने में डिजाइन वाइज बहुत अच्छे हैं। तो मैंने दो संक लिए थे, इनमें से एक मैं किसी को देने वाला हूँ और एक मैं शायद अपने घर के लिए रखूँगा, मेरी मम्मी ने बोला था। ये और ये शंख बोला था उसने अराउंड 1400 समथिंग का, 1500 का, बट ये अराउंड उसने मेरे को 600 में दोनों दिए उसने मेरे को। अब हम करेंगे पैकिंग दोनों मिलके अपने कपड़ों की, नए नए कपड़ों की इसमें डालेंगे, और पुराना मेरे पास एक बैग है उसमें डालते हैं, और यार खत्म करते हैं आज का ट्रिप इसी बात पे। यार सैड वाटर खत्म हो गया हमारा। देखो एक दुख है और एक खुशी भी है। दुख ये है कि हम लोग सनसेट नहीं देख पाए, लेकिन खुशी है भाई बारिश में जो ड्राइव करने में मजा आया ना। मतलब एक हो गया जो तुम हिमाचल में करते हो ना, वो हमने गोवा में किया है। मतलब पहाड़ों पे भी गए, बारिश में भी गीले हुए, बीचेस भी देखे, और सनसेट और सनराइज नहीं देखा, बट बाकी सब कुछ किया है। और हाँ एक चीज और नहीं किया हमने, अभी तक अपने छत पे नहीं जा पाए यार। अभी जाएंगे जाएंगे, अभी अब कॉफी लेके चलते हैं सारे। अभी हम कॉफी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं और ऊपर लेके चलते हैं, वहाँ पियेंगे। सो यार ये देखो थोड़ा मैसी रूम है, बट चलेगा कोई नहीं। अभी पैकिंग वैकिंग हो रही है,
ऑलमोस्ट हो चुकी है, मेरे कपड़े थोड़े से रह गए हैं और नितिन के रह गए हैं, और सामान अपना कैमरा वैमरे का सीधे रह गई है। और अभी पता नहीं नितिन क्यों बुला रहा था। क्या हो गया भाई? बंद करना उसको, बारिश हो रही है, हम खाना खाने नहीं जा पा रहे यार। कोई नहीं, फिलहाल हम कॉफ़ी पीते हैं और नमकीन एंजॉय करते हैं। नमकीन एंजॉय करते हैं, फंसेंगे नहीं भाई। हमारी सुबह ट्रेन है और बारिश शुरू हो गई भाई, हम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि हम क्या करेंगे। देखते हैं सुबह का क्या प्रोग्राम बनता है, बारिश अगर तेज हुई तो हम जल्दी निकलेंगे और ये जो गीले कपड़े, हमें गीले कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे और फिर हम ट्रेन स्टेशन पे चेंज कर लेंगे। और स्कूटी वाले ने क्या बोला? स्कूटी वाले को मैंने फोन किया, एक को उसने बोला आउट ऑफ रेंज हूँ मैं, तो मैंने कहा फिर किसको फोन करना, तो उसने बोला कि दूसरे नंबर लिखा है स्कूटी पे नीचे, उसको कॉल करो और बात करेंगे उससे। मैंने फोन किया, उसने उठाया नहीं यार, दूसरे वाले नंबर ने। हाँ शायद बारिश में कहीं बाहर हो। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करेंगे कॉफी पीते, तब तक क्या पता कॉल बैक आ जाओ उसके सामने से। हाँ भाई छत पे चले भाई, बारिश सुन ली ना, बारिश सीन हो गया यार, ना बाहर जा पा रहे ना छत पे जा पा रहे हैं। और एक फनी चीज देखनी है। क्या लिखा एक बार दिखा। बिरयानी भी रुक जा, रुक जा। क्या बात कर रहे हैं? देख दिखाता हूँ अभी। अरे रुक जा ना, फोकस करने देगा। हैदराबादी बिरयानी भी, अबे हैदराबादी में बोलते होंगे। वाह भाई वाह भाई, कुछ और तो नहीं होता। तो गाइस हम बाहर तो जा नहीं पाए और विक्रम गया था खाना लेने, तो देखते हैं क्या आया है। खाना सर्व कर रहा है, क्या क्या लाया भाई? रोटी लाया हूँ, राजमा लाया हूँ, कढ़ाई पनीर लाया हूँ, क्या है वो दाल मखनी है, सलाद थोड़े से भाई। बड़ी दूर गया मैं, तुम ढूंढते ढूंढते पागल हो गया भाई। फिर मैंने कहा धीरे धीरे न्यूटन दिखा, मेरे को याद आया अच्छा न्यूटन के आगे थे, फिर क्या चर्च दिखा, मैंने चर्च के आगे था ऐसे चल रहा हमारा। चावल भी है? हाँ चावल भी है ना, बोला तो मैं क्या कहता हूँ हम तो खाना इंजॉय कर लेंगे और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। सो गाइस वीडियो यहाँ तक देखा है और मज़ा आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कमेंट्स मतलब लगातार हो जाना ही चाहिए। और पूरी सीरीज़ ये देखो, यहाँ प्लेलिस्ट आ रही होगी, प्लेलिस्ट अगर आप बीच में से देख रहे हो तो प्लेलिस्ट खोल के शुरू से देखो वीडियो, शुरू से ना पूरी कॉम्बिनेशन में, फिर समझ आएगी वीडियो। तो मज़ा आया हो तो सब कुछ करना, ऐसा बता दिया, खत्म करते हैं इस वीडियो को इसी नोट पे और मिलते हैं फिर अगले मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, अंटिल नेक्स्ट।